हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी और अदबाद एजुकेशन में और आज हम करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर का यह जो सेशन है है ना 25 दिसंबर है 25 दिसंबर राइट तो इसमें भले चार दिख रहा होगा बट 25 दिसंबर का यहाँ करंट अफेयर का सेशन जो कि 18 से लेकर 24 या 25 तक बोल सकते हैं जो भी प्रमुख सुर्खियों में आपके जो न्यूज रहे हैं उसको हम लोग यहां पर कर रहे हैं कवर तो एक बार जितने स्टूडेंट हमारे साथ बने हैं सब बता देंगे मैं ऑडिबल रतन रानू सुनील अंकित खुशबू नरेश आ, अनु विमी एंड ऑल वीरेंद्र सभी को आ, वेरी वेरी, वेरी गुड इवनिंग सभी को नमस्कार तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सी गोल के अंतर्गत हमारा जो एक गोल लॉन्च किया गया सी जी पी एस सी के प्लेटफॉर्म पर जहां पर पीडीएफ स्टडी मटेरियल होंगी अनलिमिटेड एक्सेस होगा 600 से अधिक घंटे की क्लासेस होंगी और मेरी जो क्लासेस वो लगने वाली हैं कल से यानी कि 26 ऑफ दिसंबर से सुबह 10 बजे जहां पर मैं लेकर आने वाला हूं एनवायरमेंट आप लोगों के लिए ठीक है इसके बाद हम इकोनॉमिक्स करेंगे एंड फिलोसफी करेंगे तो ये पार्ट पूरा कवर होने वाला है कल से ऑलरेडी क्लासेस चल रही जैसे अभी यमन सर की क्लासेस यहाँ पर चल रही होंगी संदीप सर की क्लासेस भी शुरू होने वाली कोमल मैम आरिफ सर खिले सर की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है सिद्धार्थ सर दीपाली मैम जागृति मैम सभी की क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं ठीक है ना इसमें कोर्स के प्राइस जो यहाँ पर रखे गए वन ट्रिपल नाइन फॉर द वन मंथ फोर ट्रिपल नाइन फॉर थ्री मंथ एंड सेवन ट्रिपल नाइन फॉर द सब्सक्रिप्शन मॉडल एंड यू हैव टू यूज द कोड अद्वैत डबल वन डबल वन फॉर द टेन परसेंट ऑफ डिस्काउंट ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके के पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आपको यहां पर हाल ही में इंडिया और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिन टू का छठा संस्करण यानी कि सिक्स एडिशन जो है वो कहां पर आयोजित किया गया या कहां पर आयोजित किया जा रहा है राजस्थान मेघालय महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं चलिए आंसर बताइएगा हाँ भाई आंसर बताइएगा चलो हाँ वट इज द राइट आंसर फ्रॉम यस तो बच्चे जो हैं ए के साथ जाना चाह रहे हैं अच्छा yeah. ऐसा क्या बात है किसने ए पढ़ा दिया भाई किसने आप लोगों को ए पढ़ा दिया और अगर एक बच्चा ए बोल रहा है अरे भाई वीरेंद्र कौन हो तुम लड़का हो कि लड़की हो तुमको बॉयफ्रेंड क्यों चाहिए भाई हैं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन जाओ बेटा देखो दोबारा कमेंट आएगा तो उड़ा दिया जाएगा तुमको है ना नाम से तो तुम लड़के लग रहे हो यार है तो तुम क्या यहाँ पर एलजीबीटी चलाने आए हो कैसे है है। चलो देखो तुमको उड़ा दिया जाएगा फिर ऐसे में है ना राइट आंसर क्या हो जाएगा आंसर बताइएगा चलो बेटा व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम जी हाँ वेरी वेरी गुड इवनिंग सही जवाब हो जाएगा मेघालय भाई कैसे कर रहे हो बेटा आगे पार्ट पीछे सा पार्ट हो रहा है तुम लोगों का है ना वेरी वेरी गुड इवनिंग छोटी ललिता एस के साहू एंड ऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं मीना तो यहां पर सही आंसर तुम्हारा मेघालय होगा भाई राइट आंसर इज मेघालय है ना राजस्थान के साथ नहीं जाना है अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ना है हाल ही में भारत ने कौन से परमाणु सक्षम ठीक है मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड से रिलेटेड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है नाइट ट्रायल सफलतापूर्वक परीक्षण यहां पर किया है आकाश निर्भय अग्नि या फिर घातक चलो आंसर बताना वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को भाई आंसर बताना है कि किस मिसाइल का यहां पर हाल ही में नाइट विजन का परीक्षण जो है वो किया गया है आपके ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं आकाश निर्भय अग्निफाइब एंड घातक जी हाँ तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर अग्नि फाइव है ना कहाँ से किया गया था उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट से किया गया था ये सारे के सारे मिसाइल हैं और अलग अलग टाइम पे हम पढ़ते जैसे आकाश प्राइम मिसाइल है निर्भय भी एक मिसाइल है अग्नि फाइव भी एक मिसाइल है तो अलग अलग मिसाइल की यहाँ पर हम लोग बातें करते जिसमें से अग्निफाइव और इसका रेंज है फाइव किलोमीटर तक है यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल है एक देश से दूसरे देश इवन कॉन्टिनेंट तक भी इसको क्या किया जा सकता है दागा जा सकता है तो सही जवाब हो जाएगा आपका अग्नि ठीक अगला प्रश्न आ रहा है स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक विध्वंस को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया आई एन विक्रांत आई एन आईएनएस कोलकाता या फिर आईएनएस वागीर चलो आंसर कर लो हाल ही में किस विध्वंसक जो आ, क्या बोलते हैं स्वदेशी मिसाइल है इसको इंडियन नेवी में कमीशन जो है किया गया है आई एन एस विक्रांत आई एन एस कोलकाता, आई एन एस आगे पाठ पीछे सपाट मत करने बेटा अरे वागीर तो दोस्तों ये सबमरीन है कैसे भूल रहे हो तुम लोग देखो वागीर किसका नाम है मछली का नाम है सुनना कैसे याद रखना तुम लोगों को वागीर किसका नाम है? नाम है? है, है? एक मछली का ठीक और मछली जो है वो पानी के भीतर तैरती है या पानी के ऊपर? तुम ये बताओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर। पढ़ते थे ना बचपन में तो मछली पानी के भीतर तैरती है कि पानी के बाहर सॉरी हाँ मतलब अंदर की बाहर पानी के अंदर ना बेटा तो ये सबमरीन है सबमरीन जो पानी के अंदर रहता है याद रखना है ना तो ये वागीर है एक शिकारी मछली का नाम है और ये पानी के अलग चीज है आई एन एस मरम गांव इज द राइट आंसर ये मैंने बताया था आप लोगों को ठीक है चलो तो बी के साथ हम चलना चाहेंगे है ना हाँ तो लेटेस्ट में कंफ्यूजन तो आप कभी नहीं भूलेगा ना देखो आप कभी नहीं भूलेगा मछली हमेशा पानी के अंदर रहती है तो पानी के अंदर मतलब हो जाएगा तुम्हारा पंडुबी यानी कि सबमरीन पंडुबी अब कभी नहीं भूलेगा तुमको है कि नहीं बताओ अब जैसे हम आईएनएस अरिहंत की हम बातें करते हैं अरिहंत अरिहंत तो याद रखना अरिहंत से याद रखना अंदर तो ये सब क्या है ये सब अंदर तो ये सब है तो सब सबमरीन है बेटा याद रखना ये सारे के सारे जो हैं वो सबमरीन है आपके राइट तो आईएनएस एन मरमा गांव इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर चलो आंसर बताना है यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है मैं बार बार बोल रहा हूँ पी का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो तैयार रहिए कि आपको कोड वाले प्रश्न ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे आपको कोड वाले क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे मिस क्वेश्चन मिलेंगे वन लाइनर की आप बातें भूल जाइए है ना चलो तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा आंसर आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा सही है सरकार ने 2031 तक 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने की योजना बनाई है 20 अन्य बोला जा रहा है ना 20 अन्य है वो इसके अलावा मौजूदा परमाणु क्षमता जो है छह सात आठ शून्य मेगावाट है चलो आंसर बताओ नहीं बेटा पूरा क्वेश्चन सुन लो ना आप देखो क्या होता है ना आप लोग आधे अधूरे शब्दों का खेल है ये सरकार ने दो तक 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने की योजना बनाई है जैसे कि क्या होगा मान लेते तुम्हारे पास पांच कार है बेटा तुम्हारा 2023 में क्या प्लान है तो तुम बोलेगे सर 2023 में मेरे को दो कार खरीदने का प्लान है इसका मतलब तुम थोड़ी बोलोगे कि मेरे को सात कार खरीदना है भाई वो तुम्हारा टोटल हो रहा है ना सुन लो वो तुम्हारा टोटल हो रहा है फाइव प्लस टू तो तुम ये बोलोगे कि भाई मेरे को सर दो कार खरीदनी है मेरे को सर एक फ्लैट खरीदना है आपके पास पहले से क्या है डजंट मैटर वर्तमान में जैसे हमारे पास संचालित कितने हैं 22 हैं ये 2031 तक 20 अन्य की बातें कर रहा है ये। शब्दों को पढ़िए आप शब्दों में क्या हो जाते हैं ना कि आप लोग मतलब वो खेल जाता है वो और इसको मैंने कराया भी है 2031 तक 20 हम नए देखो भैया बफरिंग हो रहा है क्या ठीक है लाइव कर दो इसमें यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि अभी जो एग्जिस्टिंग है बाईस हैं और बीस और हो जाएंगे तो बीस और बाईस कितना हो जाएंगे सर जोड़ लो बयालीस हो जाएंगे अभी जो वर्तमान में जो क्षमता है वो कितनी है सिक्स सेवन एट ज़ीरो है माना जा रहा है कि भाई इनकी क्षमता और बढ़ानी है पंद्रह हज़ार मेगावाट और करनी है है ना यहाँ से आप जोड़ लीजिएगा लगभग पंद्रह और आप छः को जोड़िए तो लगभग आपका मिलता है छः पाँच बारह है ना बाईस हजार के आसपास आप लोगों को गलत बोला क्या 6 5 11 होता है करेक्ट लेकिन ये 7 8 0 इधर से और कुछ है तो लगभग 22000 मेगावाट का जो है वो लक्ष्य जो है रखा गया है कि इतने समय तक हम उतना उत्पादन कर पाएंगे है ना तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर हम बातें करते हैं तो 1 एंड 2 ओनली सीज द राइट आंसर ठीक है ना ठीक है ए भाई इसको हटा दो यार ये पता नहीं वीरेंद्र सिंह नाम से कोई है ठीक है <laughs> चलो अब बेटा लाइक कर दो यार सेशन को तुम लोग है ना चलो सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज बढ़ते हैं अपन आगे हाँ ओके आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और मेरा जवाब है हाँ यस आई एम मैरिड आई एम नॉट अवेलेबल ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं वन एंड टू ओनली एक और दो दोनों सही हैं अगला प्रश्न आ रहा है हिमालय में पाई जाने वाली तीन औषधियों की प्रजातियों को रेड लिस्ट में जगह मिले हैं जगह जो है बनाया गया है स्टेटमेंट है ध्यान से पढ़ना इनमें से कौन सा सही है है ना मेजोट्रोपिस पॉलिटा का मूल्यांकन संकट ग्रस्त के रूप में किया गया है प्रेटी लोरिया सिरोसा सुभेद्य के रूप में वर्णलेबल के रूप में टेक्टोलोरिजा हतागिर या गंभीर रूप से संकटग्रस्त या फिर डी ऑल ऑफ चलो आंसर बताओ बेटा नमस्कार जी। चलो आंसर बताइए व्हाट इज़ द राइट आंसर फ्रॉम सभी लोग लाइक करो यार ऐसे मत करो लोग हैं। ऐसे मत करो नहीं तो सांता क्लास आएगा बेटा रात में तुमको फिर दना दन मारेगा वो लगे कि तुमने सर के सेशन को नहीं किया करके है ना? तो लाइक करो से बावन लाइक तो होने चाहिए फिर मैं फिर वो छत्तीसगढ़ी में हाना बोलूंगा सुने होगी नहीं पांच और दो बावन <laughs> फिर एक होता है ना जो लाइक नहीं करी ते कर आगे डेस डेस तुम लोग समझ जाओ बेटा है? आगे पता है ना तुम लोगों को हाँ वही बोलूंगा फिर मैं छत्तीसगढ़ी में वो एक है ठीक है चलो अब सुनिएगा जित बच्चे लोग डी बोल रहे हैं ना जो बच्चे डी बोल रहे बेटा ये रॉन्ग है है ना डी गलत है क्यों गलत है सुनना अभी आगे मैं बताता हूँ मैं है ना सुनना मिजोट्रोपिस uh, पेलीटा मैंने आप लोगों को इसके बारे में ट्रिक भी बताया था इसलिए मैंने बोला था स्पेशल क्लास में आइए नाइन पी में मैंने ये क्वेश्चन को कराया था आज तो हम यहां पर ले रहे हैं लेकिन ये जो क्लास है उसको uh, हम कर लेंगे यानी कि स्पेशल क्लासेस हमारी 9 पीएम पे चलेंगी वो कल रहेंगे है ना आज यहां पर सेशन था इसलिए हम नहीं ले पाए ठीक है ओके तो मेजो मीजोट्रोपिस uh, पेलीटा ये जो है ना ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ये सीआर CR है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैसे याद रखने बोला मैंने पिलिया

थोड़ा बहुत तो चिंता करना पड़ेगा भाई थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक्स की चिंता बिल्कुल मत करना छोड़ो ख़त्म करो कहानी तो एक्स और ई के बारे में हम बातें नहीं करेंगे सी आर इसके बाद है इनडेंजर्ड उसके बाद है वल्नरेबल है ना उसके बाद है नियर थ्रेटन तो यहाँ पर तीन कैटेगरी की यहाँ पर बातें करी गई है सी आर ई एन और वी यू तो जो सबसे खतरनाक है जो मेज़र और जो पैलिटा है इसको तुमको रखना है बेटा सी आर कैटेगरी में नंबर टू जो है यहाँ पर अगर हम बातें करते हैं फ्रिटिलोरिया सिरोसा ये ठीक है ये सुभेद्य में है मतलब ये में है, right. decta, ilorisa, hata, giria, तो आप घायल हो गए ही हो गए गिरोगे तो आप संकट में गंभीर रूप से संकट में नहीं हो लेकिन गिरोगे तो आप संकटग्रस्त जरूर हो गए तो इसको हमको रखना है ई एन कैटेगरी में बस तो ये आप लोगों का लाइक वाइस वर्षा जो है हो गया था ठीक है चलिए तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ठीक है ना अगला प्रश्न आ रहा है यहां पर अरे ऐसे कैसे हो गया भाई कॉपी पेस्ट कैसे हो गया चलो कोई दिक्कत नहीं अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर ये रहा आंसर बताना इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल दो जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा कहां पर दिल्ली बैंगलोर कोलकाता या फिर भोपाल चलो बड़ा आंसर बताओ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जनवरी 2023 में कहां पर आयोजित किया जाएगा दिल्ली बेंगलोर कोलकाता या भोपाल वॉट इज द राइट आंसर यस भोपाल इज द राइट आंसर है ना दिस इज राइट आंसर अगला क्वेश्चन आ रहा है फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम कौन सी है फुटबॉल विश्व कप अभी वो पहली अफ्रीकी टीम है जो सेमीफाइनल खेली है फ्रांस अर्जेंटीना क्रोएशिया फिर मोरक्को इतिहास रचा है इतिहास बहुत सारे इतिहास बने हैं अभी के इस कप में एक इतिहास ये है कि ये एक पहली अफ्रीकन टीम थी जिन्होंने सेमीफाइनल खेला विच वन इज दिस दिस इज मोरक्को ठीक है और कौन से स्थान पर है इनके स्थानों का नाम भी याद रखना अर्जेंटीना फर्स्ट फ्रांस सेकेंड क्रोएशिया थर्ड एंड मोरक्को फोर्थ ये वो टीम है जिन्होंने जीता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब सीधे न्यूज की हम बातें करते हैं लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज ठीक है तो पहला जो न्यूज आ रहा है देखो बेटा ये वर्ल्ड कप का दौर है तो फुटबॉल वर्ल्ड कप हो चुका अब होने वाला है हॉकी वर्ल्ड कप तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्रश्न में भी थोड़े बहुत आए क्योंकि देखो विनर विनर जब तक आएंगे तब तक तो ये जनवरी खत्म हो जाए मतलब जनवरी के एंड में खत्म होने वाला है ठीक है ना जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ विश्व कप हुआ वैसे ही हॉकी विश्व कप भी होगा ये हॉकी विश्व कप कहां पर होगा दोस्त ये इंडिया में होगा लास्ट टाइम कब हुआ था 2018 में तो आप सर यदि 2018 में हुआ था तो 2022 में होना था फिर 19, 20, 21, 22 ये कुछ कारणों से आगे खिसक गया है इसलिए कब हो रहा है ये 2023 में हो रहा है लेकिन है कौन सा ये 2022 वाला ही है आ एस समझ में दो चीज आप लोग प्लीज याद रखेगा हॉकी जो विश्व कप है वो बहुत पहले 1971 से स्टार्ट हुआ था ठीक है 2018 में लास्ट हुआ था और आप लोग मुझे क्या कमेंट करके बता सकते हो कि वर्ष 2018 का विश्व कप कहां पर हुआ था कौन से देश में हुआ था चलो आंसर बताना केवल देश का नाम बताओ कि कहां पर हुआ था ठीक है तो 2018 में लास्ट हुआ था और 2022 में होना था बट कोरोना फोरोना एंड ऑल जो भी वट द रीजन कुछ कारणों से टलता रहा और अल्टीमेटली फिर ये दो में जो है वो जाकर संपन्न होगा कब जनवरी दो में आपकी जानकारी के लिए बता दू दो भी इंडिया में हुआ था क्योंकि प्रश्न तो बनेगा सर प्रश्न क्या बनेगा कि 2023 इंडिया में हो रहा है 2018 का विश्व कप भी इंडिया में हुआ था ठीक है 2018 का विश्व कप भी इंडिया में हुआ था तो इंडिया को मेजबानी फिर से मिली है ऐसा पहली बार हुआ है जब कंटिन्यूस दो बार ये क्या कर रहे हैं मेजबानी यहां पर कर रहा है आइए कुछ चीजें यहां पर हम देख लेते हैं कुछ चीजें यहां पर हम जानते हैं अठारह <coughs> सदस्यीय टीम की यहां पर बातें करेगी इनके फोटो यहां पर लगाए गए हैं यू कैन सी फ्रॉम और एक और चीज भाई मैंने एक चीज नोटिस किया एक कका का एड हर जगह दिखता है मतलब कका फुल पीआर में बिलीव करते हैं कका और मोदी जी ये दोनों लोग जो है ना इन इन दोनों का चेहरा हर जगह दिखेगा मतलब भाई ये इंटरनेशनल मतलब ये मेरे ख्याल से हाँ ये ए आई आर न्यूज का है ऑल इंडिया रेडियो ए आई आर का है चाहे मैं द हिंदू का निकालता हूँ एक बार तो अल जजीरा में भी दिख रहे थे कका। मतलब भाई अल जजीरा समझ रहे हो ना कहां बाहर का मैं बोला ये क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पर मैं बोला भाई सही है यार ये तो कका जो है ना ये हर जगह आपको नजर आते हैं अब इसको क्रॉप भी तो नहीं कर सकते ना आप यहाँ तक ऐसे लगते तो इनका तो आता ही क्या करते है कि नहीं चलो आगे बढ़ते हैं हम्म ठीक है तो देखिए कुछ कुछ जो जानकारी है जो आपको याद रखनी है जब देखो जो भी टीम जीतेगी जेता आ, विजेता उप विजेता एंड ऑल वो सब तो तुमको वैसे भी याद रखना है आजकल ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है ट्रेंड क्या हो रहा है ना कि विनर उसके बाद तुम्हारा जो रनर अप है और जो मेन हेड वगैरह कुछ कुछ जो कॉमन जो चीज है ना उसको थोड़ी से नहीं पूछ रहे हैं इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि पता है भाई सबको रट के जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर जो है वो पूछ रहे हैं जैसा कि सबसे पहले कब से कब तक खेला जाएगा यह डेट कई बार आपको पूछा जाता है तो तेरह से उनतीस जनवरी तो भैया विनर के नाम बहुत कम चांसेस है कि आगामी सी के परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे चांसेस बहुत कम है यदि 12 तारीख को होता है तो बहुत कम चांसेस है कि आपको उनके नाम जो है पूछे जाएंगे कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन हाँ यह चीज जरूर पूछा जा सकता है कि आयोजन कब से कब तक किया गया था तो या किया गया जो भी है 13 से 29 जनवरी के बीच यह जो है किया जाएगा यह चीज आप लोग जरूर याद रखना ठीक है उसके बाद दूसरा

भारतीय टीम का कैप्टन कौन होने वाला ये काफी महत्वपूर्ण है तो याद रखेंगे हरमनप्रीत सिंह ये भारतीय टीम के कैप्टन होंगे और अमित रोहित दास जो हैं वो उप कैप्टन होंगे है ना तो ये दोनों चीज आप लोग को याद रखना है दूसरा यहां पर अगर हम बातें करते हैं तो ये जो आपका हॉकी होगा वो दो जगह पर होना है जैसे यहां पर देख रहे हो आप एक भुवनेश्वर और एक राउरकेला ठीक है ये दोनों की दोनों चीजें तुमको याद रखनी है थोड़े से पुराने डेटा पर हम आते हैं जैसे कि मैंने बताया कि 1971 में सबसे पहला जो है हॉकी आयोजित किया गया था सबसे पहला क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सबसे पहला हॉकी किस देश ने जीता है ये वही देश है जिसके पास सबसे अधिक मेडल है यानी कि जिन्होंने सबसे अधिक बार हॉकी जीता है वही देश है उन्नीस में भी उसने जीता था चलो आप मुझे कमेंट करके बताना वह कौन सा देश है जिसने उन्नीस में जीता और सबसे अधिक बार विजेता रहा है जो सबसे अधिक बार विजेता रहा है अरे बेटा कहा इंडिया ना 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 इट्स नॉट इंडिया इंडिया नहीं है तुम्हारा पड़ोसी है सोच तो लो तुम्हारा पड़ोसी है बेटा यस तुम्हारा पड़ोसी कौन है दीप्ति तुम्हारा पड़ोसी यूएसए है पाकिस्तान जी हाँ बिल्कुल पाकिस्तान चार बार जीता है बेटा याद रखना पाकिस्तान चार बार इंडिया तो केवल एक ही बार जीती है भाई ओनली वन हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ने देखो ओलंपिक की बात नहीं कर रहे हम वर्ल्ड कप की हम बातें कर रहे हैं इंडिया ने केवल एक बार जीता है ओनली वन कब जीता है याद रखना है? इंडिया ने जीता है सेवनटी वन सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री फाइव यस पिछहत्तर में जीता है कैसे देखो उन्नीस में पहला हुआ उन्नीस सौ बहत्तर में सॉरी तिहत्तर में दूसरा हुआ उन्नीस में तीसरा हुआ पहले दो दो साल के गैप में होता था फिर अस्सी के बाद इसको चार चार साल के गैप में कराया जाने लगा उन्नीस में इंडिया ने थर्ड पोजीशन लेकर आया बहत्तर में सेकंड पोजीशन और पचहत्तर में पहला तो उन्नीस के बाद से अभी तक इंडिया जो है वो नहीं जीता है दिव्या शर्मा एकदम सही सुन रहे हैं आप हम पर क्या भरोसा नहीं है क्या आपको हाँ? हम पर भरोसा नहीं है पाकिस्तान चार बार जीता है बेटा चार बार यस yes, याद रखना पाकिस्तान सबसे ज्यादा जीता है चार बार और इनफैक्ट आपको पता है चार बार जीते और मेरे ख्याल से सात से आठ बार फाइनल खेला है वो मतलब भाई सात से आठ बार फाइनल समझ रो कंफर्म तो नहीं पता लेकिन सात बार जरूर खेला है फाइनल उसने सात बार मतलब है भाई अब टीम है तगड़ी अब कैसे करोगे है कि नहीं इंडिया ने बस इंडिया का याद रखना इंडिया जो है नाइनटीन सेवनटी फाइव में जीता है एकमात्र बार द ओनली टाइम पाकिस्तान बहुत बार चार बार सबसे अधिक बार टीम जीत चुका है इंडिया में कब कब किया गया था आयोजन तो बता याद रखना मेजबान उन्नीस सौ बयासी दो हजार दस दो हजार अट्ठारह और अब दो हजार बाईस का जो होगा है ना ब्रैकेट में आप तेईस लिख लीजिए क्योंकि है तो दो हजार बाईस का जो कि हो रहा है दो हजार तेईस में ठीक है ना चलो आगे बढ़े अब कोई दिक्कत नहीं बेटा यकीन तो करना पड़ेगा ना तुमको ठीक है यकीन करना पड़ेगा प्रश्न आ सकता है कि सबसे अधिक इन्होंने जीता है आप लोगों को याद रखने अच्छा जैसे फुटबॉल में आप लोगों का मैच का जो निर्धारण हुआ पेनाल्टी शूट आउट से हुआ याद है ना अभी अर्जेंटीना एंड फ्रांस के बीच जो हुआ था पेनाल्टी शूट आउट वैसे ही आपके हॉकी में भी जब हाफ टाइम के बाद यानी कि फुल टाइम के बाद और एक्स्ट्रा समय दिया जाता है और तभी भी दोनों की टीमें जैसे कि तीन तीन या वन वन या जीरो जीरो के साथ इक्वल पॉइंट पर होती हैं तो भी इनका पेनाल्टी कॉर्नर सॉरी पेनाल्टी शूटआउट इनका भी होता है जैसे आपने एक मूवी देखी होगी चक दे इंडिया चक दे इंडिया आपने मूवी देखी होगी दो में जहां तक मुझे याद है जापान या स्पेन ने जीता था ठीक है एक बार कंफर्म कर लेना मेरे को याद नहीं आ रहा है जापानी स्पेन किसी ने जीता था ठीक है मेरे को याद नहीं आ रहा है प्लीज आप लोग देख लेना वो लिस्ट जो रहेगा या फिर मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा तो जब आपने चक दे इंडिया मूवी में देखा होगा ना तो वहां पर भी क्या करते हैं ऐसे गोल मारा जाता है एक गोलकीपर आ जाते हैं यहां पर फिर ऑपोजिट टीम यहाँ से गोल करती है, है ना बस वही चीज रहता है यहां पर भी रहता है ठीक है तो वही चीज है ठीक ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है अगले न्यूज की हम बातें करते हैं ये फुटबॉल विश्व कप है इसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था यहां पर जो है आ, मैच जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट हाफ में अर्जेंटीना जो है वो दो शून्य से आगे रहती है तो ऐसा माना जाता है कि भाई मैच तो ऑन टाइम खत्म होने वाला अर्जेंटीना कप उठा रही है बट अचानक फिर एम्बापे आते हैं अस्सी मिनट के बाद धनाधन दो गोल मार देते हैं दो मिनट के अंतर्गत है ना दो दो से स्कोर बराबर हो जाता है इसके बाद जब स्कोर बराबर होता है तो फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है अगेन यहां पर मेसी अपना जादू चलाते हैं तो थ्री थ्रू हो जाता है और लास्ट में फिर से एम बापे आते हैं और थ्री थ्री के साथ बराबरी हो जाती है तो एम बापे याद रखना बेटा एम बापे ये काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी बनने वाले हैं बन चुके हैं बनने वाले क्या बन चुके हैं एम बापे जो है वो है ना हैट्रिक मारने वाले याद रखना हैट्रिक हैट्रिक क्या होता है लगातार तीन गोल लगातार तीन गोल यदि आपने किया तो आप हैट्रिक यानी कि 1966 के बाद पहली बार इस बंदे ने हैट्रिक मतलब उसके बाद पहली बार हैट्रिक मारा गया है ये चीज याद रखिएगा 1966 के बाद पहली बार हैट्रिक बेटा क्रिकेट नहीं है ये है ना इट्स नॉट क्रिकेट की तीन विकेट लिया जाएगा वो आपका क्रिकेट में होता है जब तीन विकेट आप लेते हैं ना लगातार तीन बाल पर तब उसको उसको हैट्रिक कहते हैं ये हैट्रिक होता है कि लगातार तीन गोल मारना इसको हम लोग जानते हैं हैट्रिक के रूप में एम्बापे जो कि मात्र तेईस वर्ष के हैं ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं बेटा याद रखेंगे कहाँ के हैं ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और इनको मिला है गोल्डन बूट इनको क्या मिला है गोल्डन बूट याद रखना ठीक है बहुत सारे इनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे अम्बापे से प्लीज इसको जरूर याद रखना क्या क्या बोला मैंने उन्नीस के बाद पहली बार इस बंदे ने हैट्रिक मारी तीन लगातार गोल इन्हीं की इन्होंने ही किए इनकी टीम से और कोई नहीं कर पाया हालांकि इनमें से जो दो गोल थे ना वो पेनाल्टी वाले गोल थे पेनाल्टी वाला मतलब क्या होता है जब आप फुटबॉल खेल रहे होते हैं उस यदि आपने किसी खिलाड़ी को डी के अंदर गिराया सुनिएगा मान लेते हैं कि ये किसी अपोनेंट टीम का है डी का है खिलाड़ी डी के अंदर अगर कोई है और यहां पर गोलची खड़ा है गोलकीपर खड़ा है और मैं गोल करना चाहता हूं या मेरी टीम गोल करना चाहती है और मेरी टीम को कोई वो खिलाड़ी जो कि जो गोलकीपर के पास वाले लोग हैं उन लोग यदि गिराते हैं या धक्का देते हैं या रोड़ा डालते हैं तो इनको मिलता है येलो कार्ड और उसके बदले मिलता है पेनाल्टी रूल नंबर वन रूल नंबर टू कि यदि आ, क्या बोलते हैं आप हैंड से बाल को रोकने की कोशिश करते हैं हाथ से

उनको नवोदित यानी कि बेस्ट इमर्जिंग या फिर जो एक नया खिलाड़ी होता है ना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर जैसे आप देख सकते हो युवा खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो एम्बापे को दो में दिया गया 2022 में इनको गोल्डन बूट दिया गया और इनके नाम अभी फिलहाल जो है रिकॉर्ड है तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई यहां पर नेक्स्ट जो हम लोग बातें करने वाले हैं लियोनॉल मेसी को मिला है गोल्डन बॉल और ये सेकंड टाइम मिला है ये मतलब इसके पहले भी इनको मिल चुका है देखिए अर्जेंटीना की टीम 2014 में भी फाइनल खेली है और 2022 में भी इन्होंने फाइनल खेला है फ्रांस की टीम ने 2018 में भी फाइनल खेला है और 2022 में भी फाइनल खेला है 2014 में अर्जेंटीना सेकंड स्थान 2022 में फर्स्ट स्थान फ्रांस 2018 में फर्स्ट स्थान और दो में सेकेंड स्थान ये चीज़ें फैक्ट है छोटे छोटे जिसको आपको याद रखनी है ठीक है एमी मार्टिनेज इनको मिला है गोल्डन ग्लव ग्लव मतलब जो कीपर होते हैं यानी की कि जो रहते हैं वो सेव करते हैं क्योंकि यार जब चार दो से अर्जेंटीना जीती इसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो एमी मार्टिनेज का था जब भी कोई टीम पेनल्टी शूटआउट में जाती है तो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किसका होता है इन गोलकीपर का होता है गोल को बचाना तो एमी मार्टिनेज ने बचाया था और इसलिए इनको जो दिया गया खिताब किसके लिए गोल्डन ग्लव के लिए एंजो फर्नांडीज को सबसे यंग प्लेयर अवार्ड दिया गया मतलब नवोदित युवा खिलाड़ी के रूप में और ये तीनों के ये ये और ये ये और तीनों के तीनों हैं आपके अर्जेंटीना के यानी कि मेसी अर्जेंटीना मार्टिनेज अर्जेंटीना एजो फर्निज अर्जेंटीना और एम्बापे जो थे ये तुम्हारे फ्रांस के थे ये तीनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है इज दैट क्लियर बच्चा लोग यहां तक क्लियर है क्या सभी को यहां तक क्लियर है क्या सभी को आगे बढ़े चलो ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखना है ना यस yes. कौन सा पिक बेटा ये वाला नहीं 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 ये तो मेसी का है ये जो तस्वीर है ना ये लियोनॉल मेसी की है ये इन लोगों की तस्वीर है एम्बापे फर्नांडीज मार्टिनेस एंड एन... इनका तो मैंने एक बार दिखाया था है ना ये मेसी की तस्वीर है ये क्लियर चलो आगे बढ़े क्या शेल वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। चाइना के साथ सीमा विवाद के बीच हाल ही में हमने कुछ मिसाइलें जो है दागी है और ये मिसाइल का जो नाम है प्रलय है ये मिसाइल जो रहेगा वो 500 किलोमीटर तक का निशाना साध सकती है ठीक है हाँ आ, एक वीडियो बनाए हैं, हाँ इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं ना यू कैन वॉच दिस वीडियो इसका जो रेंज रहेगा डेढ़ सौ से वन फि फाइव हंड्रेड किलोमीटर आप बोलोगे सर अभी कुछ समय पहले आपने बताया था अग्नि फाइव पाँच हजार किलोमीटर और आपने बोला सर इसको ओनली फाइव हंड्रेड किलोमीटर सर ऐसा क्यों एक्चुअली कारण क्या होता है ना सुनिएगा वट इज़ द रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ मिसाइल ऐसे रहती हैं देखो वो भी बैलिस्टिक था ये भी बैलिस्टिक था बट ये जो मिसाइल रहती है ना ये तुरंत सटीक टारगेट पर सिद्धार्थ सर भी हमारे साथ जुड़े हैं सर वेरी वेरी, वेरी गुड इवनिंग सिद्धार्थ सर ये जो मिसाइलें जो रहती हैं ना इनका जो मेन काम रहता है क्विक यानी कि तुरंत निशाना साधना होता है हम लाइक आपने एक मूवी देखी होगी तिरंगा मूवी याद आ रहा है बेटा आप लोगों को तिरंगा मूवी याद आ रहा है फिर वो ले वो लेके ऐसे घूमता है ना ऐसे याद आ रहा है ना ये ऐसा चाने हम बताएंगे हम तय करेंगे हाँ गेंडा स्वामी वाला तो बोलता है कि तुम्हारा फ्यूज़ कंडक्टर हम निकाल लिए हैं करके है ना तो वो वैसे फ्यूज़ कंडक्टर वाला जो रहता है वैसे ही कुछ होता है बेटा याद रखना ठीक है तो वो जो फ्यूज़ कंडक्टर वाला जो रहता है ना वो काफ़ी लंबा ट्रेवल करके मतलब तक तक आप आराम से वड़ा पाव खा के कान नींद वींद मार के मस्त से दो चार मूवी वूरी देख के आराम से देख सकते हो ऐसे उसको वॉच कर सकते हो ठीक है तो, तो वो वाला जो सीन होता है ना बेटा वो तुम्हारे अग्नि में लगेगा वो मतलब जब अग्नि छोड़ा जाएगा ना तो इसको लगेगा उसको वहां पे ब्लास्ट होने में लेकिन ये जो रहता है ना तुम्हारा क्या बोलते हैं प्रलय जो रहेगा ये भैया प्रलय मचा देगा ये मतलब पलक झपकते ही यहां से यहाँ फुर गायब सीधा मिशन टारगेट खत्म तो पांच सौ किलोमीटर होता ही कितना है ना तो उसको निपटाएगा तो ये जो प्रलय जो किया गया नाम ही है ना इसका प्रलय इसका नाम ही प्रलय है तो ये तुरंत तुरंत निपटाएगा ये एकदम कोई मौका नहीं देगा तुमको खत्म सीधा टाटा गुड बाय तो ये जो मिसाइल रहेगा ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथ ही साथ अगर यहां पर हम बातें करते हैं तो इसमें एक प्रकार से सॉलिड फ्यूल का उपयोग किया जाएगा फ्यूल बहुत सारे होते हैं एक सॉलिड फ्यूल होता है एक आप लोगों का लाइक लिक्विड होता है और एक आप लोगों का मिक्सड होता है, है ना तो इसमें जो फ्यूल यूज किया जाएगा वो तुम्हारे यूज किया जाने सॉलिड साथ ही साथ मोबाइल लॉन्चर से इसको लॉन्च किया जाएगा इसका मतलब ये है सर कि कॉर्डिनेट आपको सेट कर दिया जाएगा कोऑर्डिनेट सेट करने का मतलब होता है आप लोग वीडियो गेम खेलते होंगे ना ठीक है यस करेक्ट टारगेट सेट रहता है वीडियो गेम से तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे रहते हैं सीधा जाके। फिर टिटी टिटी टिडिट फुड़िंग ऐसे जाके फुट जाता है तो वैसे ही जाके क्या करेगी सीधा ये ठोकेगा ये तो भाई ये जो नाम है प्रलय नाम ही है प्रलय मचाने वाला है अच्छा इसमें दो चीज आप लोग याद रखिएगा बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल में तो ये जो मिसाइल जो रहती हैं बैलिस्टिक ज्यादातर मिसाइल जो होती हैं वो काफी लंबी दूरी वाली मिसाइल होती हैं साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो यार इसका सीधा सीधा ग्रेविटी पर इफेक्ट होता है ग्रेविटी यानी कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण इससे प्रभावित होती है ये प्रभावित नहीं होती इनका जो इनको आपको डिटेक्ट करने में काफी दिक्कत होता है इसको आप डिटेक्ट कर सकते हो इसको पकड़ सकते हो रडार की रेंज में आता है ये रडार हीरो रेंज में नहीं आता ठीक है ना इनकी हाइट भी कम रहती है रेंज भी कम रहता है और तुरंत खत्म कर देता है ये ठीक तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी है नाउ नेक्स्ट है लाल बाजार डोकरा मेटल क्राफ्ट का हब जो है ये बनता जा रहा है द हिंदू में ये जो प्रकाशित करिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके आने वाले एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती हैं कैसे सुनना अच्छा यहां पर जो लाल बाजार की जो बातें करी गई सर ये कहां पर है तो आपको ये कोलकाता में देखने को मिलेगा याद रखना कहां पर कोलकाता कोलकाता में जाओगे तो वहां पर बड़ा बाजार करके भी देखने को मिलता है बड़ा बाजार ये वाला बड़ा नहीं है कौन सा वाला वाला बड़ा? बड़ा ये जो हम खाते हैं ना वाला बड़ा नहीं है सुहारी बड़ा सारे आपको देखने को मिलेंगे। आ, मार्वल बेटा मैं एक काम करूंगा मैं अलग से उस पर एक वीडियो ले आऊंगा लाइक सॉलिड फ्यूल रैमजेट इंजन लिक्विड फ्यूल हाइब्रिड फ्यूल एंड ऑल उस पर मैं अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊंगा वहां पर मैं आप लोगों को बता दूंगा ठीक है ना चलिए आगे समझते हैं यहां पर ये जो लाल बाजार है वो कहां पर है तुम्हारा कोलकाता में है तो यहां का जो एक क्षेत्र है जिसको हम लोग जानते हैं है, है ना ये स्पेशली डोकरा मेटल क्राफ्ट के लिए काफी ज्यादा फेमस होते जा रहा है अब आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस डोकरा मेटल क्राफ्ट ये है जैसे कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ में भी उड़ीसा में भी इसके बनाने वाले यानी कि इसके शिल्पी लोग आपको देखने को मिलते हैं है, है ना ये किससे बनाया जाता है बेटा एक प्रकार से ये मोम क्षय पद्धति होती है मतलब ये बेल मेटल मेटल को पिघलाया जाता है पिघलाने के बाद फिर उसको एक शेप दिया जाता है इसमें किसी भी प्रकार का ज्वाइंट नहीं होता आजकल स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं भाई याद रखना आपसे पूछा जाएगा क्या इस प्रकार के आ, क्राफ्ट में क्या इस प्रकार के मेटल क्राफ्ट में किसी प्रकार का ज्वाइंट या फिर जोड़ाया होता है क्या तो बोलना सर कोई ज्वाइंट नहीं होता

मेल मेटल या ढोकरा जो शिल्प है ढोकरा या है, है उड़ीसा को दिया गया है ये छत्तीसगढ़ या वो किसको दिया गया ये बंगाल को यानी कि बोल सकते हो कोलकाता या वेस्ट बंगाल को जो है इसको दिया गया है मतलब स्टेट को दिया जाता है तो आप याद है स्टेट में पश्चिम बंगाल को इसको जीआई टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग से कईयों क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई जीआई जीआईटैक से कई क्वेश्चन जैसे आप लोगों को याद होगा मखाना वेट लॉस करने के लिए खाया जाता है ऐसे मानते हैं मखाना मखाना को हाल ही में बिहार का जीआई आई जो है वो दिया गया है ठीक है चलिए तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है साथ ही साथ अगर यहां पर हम बताते हैं तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा एंड ऑल झारखंड में भी आपको चीजें आपको देखने को मिलेंगी डोकरा जो नाम यहां पर रखा गया है याद रखना डोकरा जो नाम यहां पर जो रखा गया है पश्चिम बंगाल में रहने वाली जनजाति यानी कि ट्राइब्स के नाम पर रखा गया बेटा याद रखना जो नाम लिखा गया है ना ढोकला दो, मत समझ लेना पता चल रहा है सर ढोकला तो सर हम तो गुजरात वाले सर हम तो खमन ढोकला बेटा ढोकला नहीं है ये इट्स नॉट ढोकला ढोकरा या ढोकरा ठीक है ना तो ढोकरा या ढोकरा जो नाम रखा गया है ये वहां पे रहने वाले जो ट्राइब हैं उनके नाम पर रखा गया है आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो न्यूज है यू टू होस्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2024 2024 में होने वाले यूए के सॉरी यू में होने वाले डब्ल्यू के जो आ, क्या बोलते हैं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा यू के द्वारा जो है वो किया जाएगा अच्छा एक चीज बताना डब्ल्यू जो है ठीक है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है चलो आंसर बताना मुझे डब्ल्यू टी ए ने किसी एक संस्था को किसी एक संस्थान को रिप्लेस किया है साथ ही साथ डब्ल्यू टी ओ जो है वो अलग अलग सब्सिडी जारी करता है जिसके बारे में मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था इन दोनों प्रश्न का आंसर दीजिएगा डब्ल्यू टी ओ ने किसको रिप्लेस किया है क्वेश्चन नंबर वन अभी दीजिएगा क्वेश्चन नंबर टू कि डब्ल्यू के अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आ, कितने प्रकार की सब्सिडीज जो है वो दी जाती है ये दोनों चीजों का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा अबू धाबी में जो है किया जाना है फेब में यहां पर दो देश शामिल थे एक यूए था और एक कैमरून था कैमरून की अगर यहां पर हम बातें करते हैं तो बेटा कैमरून आपको यहां पर अफ्रीका में देखने को मिलेगा मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि कोई भी देश जब न्यूज में आता है ना कुछ मत करो उस देश का एक बार गूगल कर लो भाई कुछ मत करो गूगल कर लो तुमको लोकेशन फोकेशन सब चीज दिखा देगा यहां से क्लियर नजारा आ दिस इज इन अफ्रीका उसकी राजधानी देख लो कहां पर इसकी राजधानी क्या है एंड ऑल करके तुमको ये चीजें समझ आ जाएंगी डब्ल्यू जो है ये पहले गेट के अंतर्गत हुआ करता था गेट यानी कि फुल फॉर्म क्या हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड नाउ इट वॉज टोटली कन्वर्टेड टू द

नो नो लिमिट बट डिस्टॉर्शन फिर होता है तुम्हारा एम्बर बॉक्स देर आज सम लिमिट फाइव परसेंट फॉर द डेवलप्ड नेशन एंड टेन परसेंट फॉर द डेवलपिंग किस पर दी जाने वाली सब्सिडी ज्यादातर अपने नागरिकों को दी जाने वाली सब्सिडी पर क्या करता है यह विरोध दर्ज करता है कि भाई आप इतना ज्यादा सब्सिडी मत दीजिए सब्सिडी दो प्रकार की होती है एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ठीक है जैसे कि उदाहरण के तौर पे कंपनी वाले लोग क्या करते हैं भैया सौ का पेट्रोल भराओ तो तुम्हारे मोबाइल में पांच रुपए कैशबैक मिलेगा या मेरे को दो सौ ट्रांसफर करो तुमको सौ रुपये कैशबैक मिलेगा ये क्या है बेटा ये इनडायरेक्ट सब्सिडी है दिस इज इनडायरेक्ट सब्सिडी इसका मतलब क्या होता है जिसमें आपको पैसा पे करना रहता है और उसके बदले फिर पैसा मिलता है डायरेक्ट में क्या होता है आपको पैसा पे ही नहीं करना पड़ता सीधा सीधा छूट खत्म कहानी यस लाइक फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरकों पे मिलने वाला तो वो होता है तुम्हारा डायरेक्ट सब्सिडीज ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मत्स्य सिक्स वाहन के साथ छह हजार मीटर की गहराई पर समुद्र के खजाने को अनलॉक यानी कि खोजने के लिए भारत का मिशन समुद्रयान जो है लॉन्च किया गया है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज और यह आपका पूछा जा सकता है आने वाले समय में व्हीकल का नाम क्या है बेटा याद रखना मत्स्य सिक्स थाउजेंड और इस मिशन का जो नाम है समुद्रयान मिशन क्या नाम है इसका समुद्रयान जैसे हमने पढ़ा था ना गगनयान याद आ रहा है गगनयान

मिशन का नाम है मिशन समुद्रयान क्यों जितने भी समुद्र के अंदर गड़े हुए खजाने होंगे जितने भी प्रकार के मिनरल्स एंड ऑल जो भी चीजें होंगी उनको खोज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया या फिर इसको लाया गया है नंबर थ्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके मिशन की कंप्लीट करने की उम्मीद कब तक है तो आप बताना सर टू थाउजेंड तक है अगला प्रश्न पूछा जा सकता है क्यों लेकर आएगा तो दुर्लभ खनिज संसाधन ऑलरेडी बता दिया मैंने ऐसे खनिज संसाधन जो कि काफी रेयर होते हैं नेक्स्ट किसके द्वारा इसको विकसित यानी कि डेवलप किया गया डिजाइन किया गया तो याद रखना मेरे दोस्तों इसको सम, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ये कहां पर है चेन्नई में गेटिंग पॉइंट नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा क्या किया गया इसको डेवलप किया गया है प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है किसके अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय साइंस एंड टेक अलग डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो अलग है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अलग है दोनों अलग है बेटा याद रखना है ना तो इनके द्वारा जो क्या किया जाएगा इसको विकसित किया गया डेवलप किया गया है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज इनकी जो क्षमता है सामान्य स्थितियों में 12 घंटे तक क्या रख सकते हैं इंसानों को सुरक्षित रख सकता है और विशेष परिस्थिति में विशेष परिस्थिति मतलब क्या होता है जैसे कि अगर मैं बातें करता हूं आपात परिस्थिति में मतलब क्या होगा देखो यार सीधी सी बात है ये छह किलोमीटर कर रहा रहा है है अंदर जा ये तो जो नॉर्मल क्षमता कि रहेगी उसकी कितनी रहेगी बारह घंटा बारह घंटा मतलब आप मान के चलिए कि इसको अंदर जाने में मान लेते हैं तीन घंटा लग रहे हैं बाहर जाने में मान लेते हैं इसको तीन घंटा लग रहे हैं है ना और बाकी के जो छह घंटे रहेंगे वो हम मान लेते हैं कि इसको काम वाम करने में खोज वो जो भी रहेगा उसको अभियान को कंप्लीट करने में लगेगा लेकिन सर फिर 96 सिक्स आवर्स क्या ये सिक्स वो है कि विशेष स्थिति में पता चल रहा है कि तुम्हारे इस जो समुद्र यान उसको वेल वगैरह खा गई भाई संभावना है ना किसी खोबचे कोंटे वे में जाके घुस गया या उसके नीचे कोई पत्थर वत्थर आके बैठ गया कुछ भी संभव हो सकता है आर एस मच में है ना कुछ भी संभव हो सकता है पताल लोग है भैया कोई राक्षस वक्षस आ गया कुछ भी हो सकता है राक्षस तो नहीं आएगा खैर तो कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है तो उन प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए मैक्सिमम जो है वो छाइन सिक्स घंटे तक क्या कर सकते हैं हम लोग वहां पे रिटेन कर सकते हैं छियानवे घंटे तक वहां पर रह सकते हैं इसके बाद फिर कोई गारंटी नहीं है भाई हाँ जल पर लोग आ सकते हैं या जल पर लोग आ सकते हैं ठीक है ना तो ऐसी संभावना है इसलिए यहां पर क्या होगा छियानवे घंटा तो छियानवे घंटा मतलब चार दिन आप बोल सकते हो फोर डे चार दिन तक आप रख सकते हो चार दिन के बाद अगर कुछ नहीं मिला मतलब समझ आ जाएगा भैया चलो राम नाम सत्य है करके है ना चार से पांच दिन तक देखा जाएगा उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलेगा उसके बाद फिर सीधा भगवान इनकी आत्मा को शांति दे यही होगा है ना चलिए ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि भैया ये ये बहुत बड़ा मिशन है ये। सभी सही सलामत वापस आए ऐसा हम मानते हैं अगला जो न्यूज है भाई जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है इस बार का कबड्डी जो प्रो कबड्डी जो लीग खेला जाता है उसको ठीक है नाइन्थ जो सेशन यानी कि नाइन्थ जो आपका संस्करण था उसको किसको हराया है दोस्त इन्होंने पुणा को हराया है है ना पहला नंबर कौन रहा है आपका पिंक पैंथर्स जयपुर नंबर टू जो रहा है वो पूना यानी कि पुनेरी पलटन ठीक है इसके अलावा यहां अगर हम बातें करते हैं तो एक बार यहाँ पर आप लिस्ट देखिए पटना के बाद जयपुर एक ऐसी टीम रही है मतलब पटना ने लगातार तीन बार और साथ ही साथ सबसे अधिक बार जो है सीजन पर क्या किया है कब्जा किया है जयपुर ने नंबर वन पर किया था उसके बाद सबसे लास्ट पे किया सीजन नाइन पे लास्ट मतलब अभी जो लेटेस्ट हुआ है है उस पर किया है ना तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रश्न आपको पूछा जाता है साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है ये चीजें भी आपको पूछी जा सकती है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन अर्जुन देशवाल सबसे बेस्ट प्लेयर आप बोल सकते हो अर्जुन देशवाल जिसको बीस लाख रुपए मिले पैसा नहीं पूछा जाएगा आपको सिंपल जो है कौन व्यक्ति जीता यह पूछा जाएगा का कहा पूछा जा सकता है रेडर रेडर मतलब जो कबड्डी खेलने आता है 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 ना आपने देखा होगा ऐसे आते कबड्डी 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 तो जो रेड करता है, रेड करता मारता है। में जो रेड मारता है ऐसे रेड मतलब इधर से जो आता है इन लोगों को हराता है तो रेडर को हम लोग जानते हैं किसके रूप में मतलब जो जो सामने जाता है उसको हम बोलते हैं रेडर और जो पैर पकड़ता है या खींच के लेके आता है उसको हम कहते हैं डिफेंडर तो जो रेडर है वो किसको मिला है बेटा भारत को मिला है भारत मतलब व्यक्ति का नाम है भारत डिफेंडर जो मिला है वो अंकुश को मिला है अंकुश यानी कि डिफेंड करने वाला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये मिला है नरेंद्र को मिला है तो ये चीजें आपको याद रखना है जी हाँ बिल्कुल जयपुर इज पिंक सिटी यस ठीक है आगे बढ़ते हैं भैया बी एफ सेवन जरा बच के रे बाबा बच के तू रहना ये मतलब ना ये गाना जो नहीं आया था खल्लास तो कोरोना के लिए बना था मुझे ऐसा लगता है सुनाइए नहीं बेटा आप गाना बचके के तू रहना रे बच के तू रहना है ना कहीं रुक ना जाए कहीं छूट ना जाए खल्लास तो ये खल्लास जो गाना है ना ये कोरोना के लिए बना तो मुझे ऐसा लगता है सुने कि नहीं सुना ये।, ये तो पता नहीं क्या करके मानेगा ये कोरोना ठीक है चलिए समझते हैं बी एफ सेवन क्या है कैसा है एंड ऑल ठीक है अभी फिर कोरोना होगा बिल्कुल <laughs> नहीं दूजा मौका मिलेगा जी हाँ बिल्कुल कोई मौका नहीं मिलने वाला बिल्कुल कोरोना 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 आ आ चुका है। आ चुका है 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 भाई माना जा रहा कि अक्टूबर में स्टार्ट हो गया था लेकिन लोगों ने हमसे छिपाया और अब जाके दिसंबर में जा रहा है भैया मतलब बताओ ऐसा कौन करता है मजाक है कि नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं अपार्ट आगे बढ़ते हैं तो ये जो है ना एक्चुअली अगर मैं बातें करूं तो इसको सब वेरिएंट माना जा रहा है किसका ओमिक्रॉन का ओमिक्रॉन जब आया था तो सब ने कहा था भैया ओमिक्रॉन है ये तो कुछ नहीं आया क्या ही है पहला वेव आया तो पहला वेव तो सब में आश्चर्य था मतलब डर था दूसरा वेव आया उसने तो और ही डरा दिया भाई मतलब खतरनाक ऑक्सीजन प्रॉब्लम यही यही वो सेकंड वेव तो और ही ज्यादा खतरनाक था थर्ड वेव को लोग वे क्या कोरोना 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 ऐसा है ना हो गया खत्म टाटा भाई भाई वो क्या था <laughs> ये ओमिक्रॉन था ना ओमिक्रॉन को तुमने हल्के में लिया तो ओमिक्रॉन ने तुमको हल्के में ले लिया बस खत्म तो ओमिक्रॉन जो है वो वापस आया भैया यही है ओमिक्रॉन ठीक है ना स्ट्रेन जो है बी एफ सेवन है इसका अगर नाम अगर हम बातें करते हैं तो इसका जो पूरा जो पूरा जो नाम है बी ए फाइव टू वन सेवन का शॉर्ट नाम है बी एफ सेवन जो कि खुद बी ए फाइव से बना हुआ है सब वेरिएंट से बना हुआ है ठीक है ना अब वेरिएंट और स्ट्रेन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे उसके पहले आपको यह भी याद रखना है कि ओमिक्रॉन के 500 से अधिक सब वेरिएंट जो है प्रचलन में है कितने 500 से मैंने वायरस के बारे में भी बताया था भाई वायरस एक ऐसी चीज है ना अनुकूल माहौल मिलते ही अनुकूल माहौल मिलते ही फिर से जिंदा हो उठता है नए उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन वाले जो वायरस को कभी कभी वेरिएंट कहा जाता है वेरिएंट में एक से अधिक म्यूटेशन का अंतर हो सकता है इन सब के बारे में मैंने एक डिटेल सेशन लिया हुआ है जब कोरोना के बारे में बताया था तो आप उस सेशन को जाकर बिल्कुल देख सकते हैं वहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा अंतर जो है वो समझ आ जाएगा आपकी जानकारी के लिए केवल इतना याद रखना फिलहाल यहाँ पर ठीक है स्ट्रेन जो रहते हैं यानी कि सभी जो स्ट्रेन रहते हैं वो वेरियंट होते हैं लेकिन सभी वेरियंट स्ट्रेन नहीं होते इसका मतलब क्या है सर जैसे आपने इसको स्ट्रेन इस बनाया और आपने इसको क्या बना दिया आपने इसको वेरिएंट बना दिया बस वेन डायग्राम से समझ जाओ आप यहाँ पर क्या हो रहा है सभी स्ट्रेन जो है वेरिएंट हैं लेकिन सभी वेरिएंट स्ट्रेन नहीं है बस सिंपल वेन डायग्राम से आपको समझना है, है ना वेरिएंट को आपको क्या रखना है वेरिएंट को बाहर में रखिए और स्ट्रेन को आप इसके अंदर रखिए मतलब वेरिएंट के अंतर्गत अलग अलग स्ट्रेन आपको देखने को मिलते हैं तो जैसे कि ओमिक्रॉन की अगर हमने बातें करी ओमिक्रॉन हो गया डेल्टा हो गया ठीक है ना ये अलग अलग क्या थे आपके वेरियंट थे और इसके अंतर्गत स्ट्रेन आता गया ये स्ट्रेन वो स्ट्रेन है ना फलाना स्ट्रेन ढमका स्ट्रेन बस ये चीज मतलब वेरिएंट अलग अलग हो सकते हैं वेरिएंट मतलब उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है उस स्वरूप के अंतर्गत अलग अलग हिस्से मतलब सिंपल अगर मैं बातें करता हूँ एकदम आसान सी भाषा में समझो इधर देखो बेटा ये आप लोगों का क्या हो सकता है देखो ये एक पेड़ है है ना और ये एक और पेड़ है इस पेड़ की क्या हो सकती है अलग अलग शाखाएं हो सकती हैं अलग अलग शाखाएं हो सकती हैं है। ठीक है ना जैसे धनिया का पेड़ मान लेते हैं धनिया जैसे धनिया तो पौधा होता है पेड़ नहीं होता चलो आम का पेड़ ले लेते हैं ठीक है ना अपन आम का पेड़ ले लेते हैं तो बेटा देखो ये एक आम का पेड़ है अल्फेंसो का ये और ये एक आम का पेड़ है ये आपका कोई भी ले लो तोता तोता क्या उस दिन तुम लोग बोल रहे थे रत्नागिरी का ये ले लो ये भी आम का पेड़ है ये भी आम का पेड़ है सुनना ये भी आम का पेड़ है ये भी आम का पेड़ है मतलब ये भी तुम्हारा क्या है वेरियंट है और ये भी वेरियंट है दोनों वेरियंट अलग है अब इस वेरियंट के अंतर्गत कई शाखाएं हैं मतलब इस वेरियंट के कई शाखाएं हैं इन्हीं शाखाओं को स्ट्रेन कहा गया है इन ही शाखाओं को स्ट्रेन वन स्ट्रेन टू स्ट्रेन थ्री कई शाखाएं कई स्ट्रेन हो सकते हैं सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है ये भी एक आम का पेड़ है इसकी भी मतलब ये पेड़ यानी कि वेरियंट और इसकी कई शाखाएं हैं तो ये वेरियंट एंड स्ट्रेन क्लियर हुआ क्या बच्चा लोग आप लोग बताना हाँ अपडेट होके आता है भाई बहुत चालाक होते हैं इन लोग वेरिएंट एंड स्ट्रेन में अंतर समझ आया ना कोरोना के अलग अलग वेरिएंट हुए अलग वेरिएंट, ये अलग वेरिएंट, इस वेरिएंट के अंतर्गत अलग अलग स्ट्रेन आ गए, बहुत सारे स्ट्रेन आ बोला ना सभी वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते ये से समझ अंदर है, आपका बाहर है।, है बस इतना समझ डिटेल में सेशन समझना है तो ऑलरेडी इस पर लेकर आए हो तो तुम वहां से देख सकते हो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से आज है पच्चीस दिसंबर 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे है ना क्या सुशासन दिवस किन की याद में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में ठीक है साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम बातें करते हैं तो 19 से 25 दिसंबर तक विज्ञान भवन जो कि कहां पर है दिल्ली में है जितेंद्र सिंह है ना यानी कि लोक शिकायत केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और पेंशन विभाग के जो मंत्री हैं इन्होंने है इनका उ, 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 क्या बोलते हैं शुभारंभ किया इनका उद्घाटन किया साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम बातें करते हैं तो पांच दिवसीय प्रशासन गांव की ओर इस अभियान को भी यहाँ पर शुरू किया गया है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है याद रखना क्या नाम था प्रशासन गांव की और एडमिनिस्ट्रेशन टू विलेज एडमिनिस्ट्रेशन टू द विलेज इसकी शुरुआत इस योजना की या फिर इस अभियान की एक शुरुआत करी गई है किनके द्वारा तो ये व्यक्ति हैं जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको आप लोग ज़्यादा ज़रूर ठीक है नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है चौबीस दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता मतलब आप कंज्यूमर हैं आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए अगर आप कुछ चीज लेते हैं कुछ चीज देते हैं आपको मैनिपुलेट होने की निर्णय नहीं है आपको बेवकूफ बनने के निर्णय है आप हमेशा रैशनल रहिए आप हमेशा तार्किक रहिए है ना अपने हक के अपने अधिकार के चीजों को आप जानिए तो इसमें जागरूकता लाने के लिए जो है हम नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को हम क्या करते हैं सेलिब्रेट करते हैं ऑब्जर्व करते हैं चौधरी चरण सिंह जी जिनका जन्मदिन होता है ट्वेंटी ऑफ दिसंबर याद रखेगा कब तेईस दिसंबर को और इनके जन्मदिन को हम मनाते हैं किसान दिवस के रूप में जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं आप देख सकते हैं हमारे जो मंत्री हैं तो अगर यहां पर हम बातें करते हैं किसान दिवस ये भारत के पांचवे नंबर के प्रधानमंत्री थे ये। किसानों का मसीहा कहा जाता था किसानों को समर्पित था यूपी के रहने वाले थे ये है ना तो इनका जन्मदिन जो रहता है तेईस दिसंबर को हम मनाते हैं किसके रूप में किसान दिवस के रूप में तो देखो लगातार हमारे दो प्रधानमंत्री एक तेईस दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी किसान दिवस 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन दिवस तो ऐसे इनके जन्म दिवस को 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बाल दिवस है ना तो ऐसे इनके जन्म दिवस को हम लोग अलग अलग दिवसों के रूप में जो है हम लोग यहाँ पर मनाते हैं ठीक है ठीके? बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट न्यूज की हम बातें करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे रामानुजम भाई मतलब क्या ही पर्सनालिटी थे यार ये तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी एवर इन पी एक मूवी भी आई थी शायद साउथ की थी कि डब थी आई डोंट नो साउथ का भी रहा होगा मे बी आई डोंट नो उस मूवी को देखना जरूर मतलब क्या ही गजब का दिमाग था इनके पास भारत में इनके ज्ञान को समझा नहीं जाता इनके ज्ञान के महत्व को समझा नहीं जाता तो फिर अल्टीमेटली इनको बाहर जाना पड़ता है अपने जो ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए है ना सही प्लेटफॉर्म इनको नहीं मिल पाता तो अल्टीमेटली जाना पड़ता है ना रीजन मतलब देखिए कोई नहीं जाना चाहता भाई कि अपना घर छोड़ के है ना इन पे इतने कहे जाते हैं जैसे कि पुराने जमाने में भी याद रखना कि ब्राह्मण थे ये ब्राह्मण परिवार से बिलिंग बिलोंग करते थे ये तो माना जाता था कि ब्राह्मणों को साथ समंदर जाना या हिंदुओं को साथ समंदर जाना अशुभ होता है ऐसा है वैसा बहुत सारी बातें कही गई गढ़ी गई बट स्टिल वो गए तो इनके अगर मैं बातें करता हूं Actually होता है यानी कि बाहर वाले लोग आपकी प्रतिभा को पहचानते उसके बाद बाकी लोग बोलते अच्छा ओह ये तो हमारी इंडियन है, ये हमारा है। भाई जब तक ये बंदा, मतलब अगर ऐसा, ऐसा, तो मतलब टैलेंट है बंदे में तो उसका कद्र होना चाहिए है ना ठीक है बढ़ते हैं अपन आगे तो 22 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे मैथ्स के जादूगर इनको कहा जाता था रामानुजन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय मूल का एक जो नागरिक है जिसका नाम है रिचर्ड आर वर्मा याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं रिचर्ड आर वर्मा को जो है वो अमेरिकी सीनेट विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों का विदेश उप नियुक्त किया गया है मूवी का नाम रामानुजन ही है मूवी का नाम जहां तक मुझे याद है रामानुजम ही है आप सर्च करना ना रामानुजम ये मूवी सर्च करना आपको दिख जाएगा मिल जाएगा मूवी का नाम ही है रामानुजन ठीक है ना ये सर्च करोगे तो तुमको दिख जाएगा व्यक्ति का नाम वर्मा करके है रिचर्ड आर वर्मा इनको जो है यानी कि वहां के अलग अलग विभाग होते हैं है ना उसमें सिनेट के अंतर्गत इसको प्रबंधन और संसाधन यानी कि मैनेजमेंट और रिसोर्सेस का जो है उपमंत्री डिप्टी मिनिस्टर जो है इनको नियुक्त किया गया ये चीज आप लोग याद रखिएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यहां से इसमें आगे डिटेल जाने की नहीं है। है बराक ओबामा के समय रह चुके थे। तो इस प्रकार के में सिर्फ इस व्यक्ति का नाम, इस व्यक्ति का नाम ही आपको पूछा जाएगा डिपार्टमेंट वगैरह बहुत कम चांस है डिपार्टमेंट वो लिख के दे देगा आपको कि फलाने फलाने डिपार्टमेंट में ये नियुक्त किया गया नाइन्टी परसेंट चांस है उस बंदे का नाम पूछेगा वो बस तो उस बंदे का नाम आपको याद रखना है अगला है भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंथल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है देखिए 90 परसेंट केस में क्या होता है नामित किए रहते हैं ना नॉमिनेट किए रहते हैं उन लोग को पुरस्कार मिल ही जाता है बोलोगे सर नॉमिनेट तो किसी और को भी किया जा सकता है यस yes, किया जा सकता है बट हमारे यहाँ नाइन्टी परसेंट केसेस में होता यह है कि नॉमिनेट करते तो उनको पुरस्कार मिलता है जिस दिन मिलेगा तो आप लोग बताना कि हाँ जी सर इनको मिला है इसके लिए चयनित अन्य जो महिला जो खिलाड़ी हैं इन लोग का नाम आप लोगों को याद रखने के निर्णय है बस आपको केवल यह नाम याद रखना है कि हमारे इंडिया की कौन है तो हमारे इंडिया की जो नाम है उसका नाम है अंतिम पंगल ठीक है ना इनको जो है चयनित किया गया है अगस्त दो का जो अंडर ट्वेंटी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था इसमें इन्होंने इंडिया को स्वर्ण पदक दिलाया था तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि ज्यादा पुराना नहीं है अगस्त 2022 का है सो so अगस्त अभी हाल ही में गया ज्यादा पुराना नहीं है तो यह चीजें आप लोगों को पूछी जा सकती है ठीक है अच्छा हाँ इसका नाम जो है वो अंतिम होगा सॉरी फॉर दैट ठीक है नेक्स्ट है गया भाई हाँ ओके अगला न्यूज यहां पर हम लोग बातें करने वाले हैं बाजरा के महत्व को बढ़ाने के लिए या फिर बोल सकते हो लोगों के सामने लाने के लिए संसद भवन में बाजरा से संबंधित डिशेज बनाए गए और एक महोत्सव जो है आयोजित किया गया बाजरा भोजन उत्सवर्स अब अब डिश बनाएंगे ही उसके पीछे के कारण को मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अन्य जैसे कि चावल और गेहूं की हम बातें करते हैं अच्छा ये कितने लोगों को पता है आ, जैसे कि जितने भी आप लोगों के फूड आइटम्स हैं स्पेशली अगर जंक फूड की मैं बातें करूं या फास्ट फूड की मैं बातें करूं नाइनटी परसेंट चावल और गेहूं के बनते हैं कितने लोगों को पता है ये चीज आप बाहर में देख लो कोई भी आइटम उठा के देखो नाइनटी परसेंट जो आइटम्स है तुमको चावल और गेहूं के ही बने हुए ज्यादातर गेहूं मतलब मैदा की अगर हमने बातें करी मतलब गेहूं हो गया वीट का ही हो गया ये चीज आप ब्रेड निकाल लो तुम्हारा गेहूं का बना हुआ है नूडल्स निकाल लो गेहूं का बना हुआ है पिज्जा का जो बेस रहता है लगभग मैदा एंड ऑल उसका बना होता है यही दो तीन चीजें रहती हैं जिनका ये बना होता है बट इनके लिए भाई जैसे चावल के लिए अच्छा खासा पानी चाहिए गेहूं के लिए ठीक ठाक धूप चाहिए एक एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है तभी ये उग पाता है लेकिन बाजरा के साथ ऐसा नहीं है भाई बाजरा तो मतलब ये बोलता है कि भैया मेरे को जहां तुम बजा लो आई एम ऑलवेज रेडी बाजरा इज लाइक तुम मुझे जहां बजा लो आई एम ऑलवेज रेडी और बाजरा इन क्षेत्रों में होता है जैसे कि अगर मैं बातें करता हूं राजस्थान है तुम्हारा कर्नाटका है महाराष्ट्र है इसको लाइक ज्यादा पानी की एनवायरमेंटल कंडीशन की नीड नहीं रहती कहीं भी उगाता है और जो मल्टीग्रेन होता है ना उसमें भी बाजरा जो है उपयोग किया जाता है ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ये प्रश्न आपको पूछा गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मोटे अनाज तो ये मोटा अनाज है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो घोषित किया गया दो हजार तेईस को घोषित किया गया है ये चीज भी आपको पूछा जा सकता है कहां पर किया गया था एस सी ओ में भी इसको किया गया था संघाई सहयोग कारपोरेशन के दौरान भी इसको किया गया था तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है छत्तीसगढ़ से भी बाजरा निर्यात किया जाता है हिमाचल प्रदेश से भी बाजरा जो है निर्यात किया जाता है तो ये चीजें तुम्हारी निर्यात करी जाती हैं काफी इंपॉर्टेंट है इनका जो आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंस होगा तो उस इंपॉर्टेंस को लोगों के सामने लाने के लिए जो है बाजरा भोजन उत्सव आयोजित किया गया था आई फर्स्ट बैंक ने हाल ही में अपने बचत बैंक खातों के लिए शून्य शुल्क बैंकिंग की घोषणा करी है मतलब यदि आप आप पासबुक ले रहे हैं या अगर करा रहे हैं हैं या अगर अगर करा कुछ भी चीजें करते हैं उन सब चीजों के लिए शुल्क आपको माफ किया जाएगा मतलब देर इज नो एनी चार्जेस ठीक है कोई आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा कंडीशंस भी यहां पर यह रखी गई है कि भाई ये जो चीजें जो है ना किनको मिलेगा हजार रुपए जो आपके औसत मासिक बैलेंस रखने वाले ग्राहक और पच्चीस हजार रुपए के ए एम बी बचत खाता संस्करण को यह लाभ जो है आपको देखने को मिलेगा ठीक है हालांकि यह इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट यह है कि किस बैंक ने इसको शुरू किया तो आपको बताने सर ये आई डी एफ ने इसको शुरू किया है नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेसिव इंपेरेटिव द्वारा जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कुछ सेक्शन हैं जहां से हमेशा प्रश्न आपको पूछे जाएंगे आप इस सेक्शन को हमेशा लिख लो अपने दिमाग में बिठा लो प्रश्न तुमको ज्यादातर वहां से दिए जाएंगे सबसे पहला जो है स्पोर्ट्स सर स्पोर्ट्स में क्या स्पोर्ट्स में ऑल सबसे पहला सेक्शन सुन लेना भाई बहुत काम का है ये स्पोर्ट्स में आप लोग को लगता है ना सर अरे सर इतना सारा नाम है कैसे याद होगा ये है वो है ऐसे नहीं बेटा आपको इंटरेस्ट देखिए क्या होगा ना आप जैसे कि केवल करंट अफेयर पढ़ने के लिए सिर्फ परीक्षा में पास हो जाऊं परीक्षा में आ जाए फंस जाए ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ोगे ना तुम चार बार भी पढ़ लो तुम दस बार भी पढ़ लो तुमसे याद नहीं होगा लिटरली ये होता है कि नहीं सबके साथ स्पेशली अगर मैं बातें करूं तो जो आपका टेनिस वाला जो है वो तो और खतरनाक कई लोग तो छोड़ ही के जाते हैं अरे सर टेनिस है पता नहीं इतने सारे ओपन कौन याद करे उसको हाँ भाई आपको थोड़ा सा ना जब भी आपको लगता है आप कुछ मत करिए आप कुछ मत करिए जैसे उदाहरण के तौर पे सुनना मैं बता क्या करना है देखो ये पर्सनल मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप लोगों को याद हो जाएगा कुछ मत करो अभी हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है हाँ या ना हॉकी का जो देखो याद होगा बिल्कुल याद होगा बिल्कुल याद होगा हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है आप क्या करना जब जब इंडिया का मैच रहेगा मैच मत देखना भाई सर ये क्या मैच देखवाने मैच, मैच के अगले दिन छह से सात मिनट का हाईलाइट आ जाता है गूगल करना चुपचाप तुमको हाईलाइट दिख जाएगा छः से सात मिनट नहीं दे सकते क्या मतलब इतना इम्पोर्टेंट रहता है क्या मतलब मोदी जी से भूपेश बघेल से इन लोगों से थोड़ा मीटिंग वीटिंग तो नहीं रहता ना अगर रहता होगा तो थोड़ा सा टाइम ले लेना बोलना कि भैया अभी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है मेरे को ऐसे करके छः से सात मिनट मैक्सिमम दस मिनट का रहता है तो ये हाईलाइट जरूर देखना कुछ मत करना खाली टाइम पास के लिए देखना तुमको लगेगा बोर जरूर लगेगा लेकिन भाई तुम देखना बस हाईलाइट देखना हाईलाइट बस देखना क्रिकेट यार देखो क्रिकेट का क्यों याद रहता है क्योंकि तुमको इंटरेस्ट है क्रिकेट का क्यों याद रहता है तुमको इंटरेस्ट है तुम बस ये से इंडिया वाले बस देखने, इंडिया के साथ जो रहेगा फिर एक सेमीफाइनल देख लेना और एक फाइनल देख लेना बस सेम आप सबके हाईलाइट बस देखो ओनली हाईलाइट देखो पूरा मैच देखने की निधि नहीं है चीज बताओ भाई सोते सोते कुछ करते करते कुछ करते करते बहुत सारी चीजें है ना बहुत सारी चीजें मैं यहां पर बोलूंगा नहीं मैं ठीक है, स्पेशली मॉर्निंग कभी भी देख लो भाई इतना ही तुम बिजी हो ना तुम्हारे लाइफ के इतने बोलते हैं ना इतने चौबीस घंटे इतने बिजी हैं, ये तुम देख लो कर लो कंटिन्यूस देखो तुम कैसे याद नहीं होगा उनका फेस देखोगे तुम है उनकी हर चीज को देखोगे तुम ठीक है ठीक है हाँ तो वो चीज तुमको याद हो जाएगा जैसे तुम रेसलिंग की जब बातें करोगे तीरंदाजी की तुम उनका भैया उनका चेहरा देखते रहोगे बार बार उनका नाम फ्लैश होगा बार बार उसका नाम लिया जाएगा तुम उसको देखते रहोगे तो वो चीज तुमको याद हो जाएगा बस यही एक तरीका है भाई द ओनली थिंग इज दैट अदरवेज बोल रहा हूँ ना तुम दस बार भी याद कर लो ना नहीं याद होगा तुमको नहीं याद होगा भाई डेफिनेटली याद नहीं होगा तो इंटरेस्ट तो तुमको लाना पड़ेगा कैसे डेवलप करोगे तो ऐसे ही डेवलप करना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट तुम ये मान के चलो ना कि भाई तुम अगर दिन में किसी से एक घंटे दो घंटे चैटिंग करते हो इधर उधर की चीजों में रील्स में समय उड़ाते हो तो भैया रील में उड़ाने के बजाय तुम इसमें उड़ा लो और मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि अरे नहीं सर मैं तो एकदम शुद्ध साधु आदमी सर मैं कहाँ इन चक्करों में रहता तो मैं कहा सर मैं इंस्टा फिंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप मैं दूर हूँ सर मैं मान ही नहीं सकता भाई ऐसा हो ही नहीं सकता गिने चुने एक आध लोग होंगे तो होंगे कोई नहीं बेटा हमको सब पता है ठीक है ना तो इसको फॉलो करिए चीज आपका याद जरूर होगा ठीक है चलो इसमें आपके अलग अलग स्तर जो है स्तरों को तो आपको नहीं पूछा जाएगा यह चीज आपको पूछा जा सकता है, है, है सबसे ऊपर जो स्कोर जो किया है वो किसने किया है अगर यहां पर हम बातें कर दे तो पांडी ने किया है ठीक है पौंडीचेरी यानी कि पुडुचेरी ने सबसे ऊपर स्कोर किया है इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बातें करते हैं तो लक्षद्वीप एंड गोवा जो है देन, झारखंड और बिहार जो है सबसे लास्ट में रहे हैं। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखना हाँ ये आर्यन एकदम सही बोल रहे हैं करेक्ट अपने दोस्तों को है ना या कुछ बंद करो कैमरे के सामने खड़े हो जाओ ऐसे लेके सेल्फी कैमरा हे गाइस हेलो एवरीवन तो चलिए आज शुरू करते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनालिसिस ये यू 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 इस प्रकार से इसने ऐसा किया इसने ऐसा किया शुरू हो जाओ खत्म करो कहानी याद हो जाएगा उस वीडियो को देखते रहो घुमा घुमा के फॉरवर्ड कर दो अपने ग्रुप में भैया कैसा लगा करके दो चार गाली सुनने को मिलेगा दो चार तारीफ भी मिलेगा है ना तो वो चीज़ कर लेना मजा आएगा कुछ इंटरेस्टिंग करो यार लाइफ में मतलब कॉमन तो हर कोई है ना कुछ इंटरेस्टिंग करो कुछ लाइक like किक मिलना चाहिए लाइफ में है कि नहीं ओके okay. तो ये चीज याद रखना पॉण्डी जो है वो नंबर वन पर है नंबर पर तुमको देखने लक्ष्यद्वीप मिलेगा नंबर मिलेगा, पर तुमको गोवा देखने को मिलेगा उसके बाद पीछे से नंबर वन जैसे कई बार होता था ना जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे स्कूल में और हम लोग का कई बार रिजल्ट नीचे से आता था कई बार हम लोग मतलब ऐसा तो नहीं हुआ है कि फेल तो नहीं हुए कभी इतने भी हम वो नहीं थे टैलेंटेड तो थे लेकिन इतने भी नहीं थे है ना कभी कभी आए हैं टॉप में लेकिन कई बार हो जाता था कि पीछे से भी आते थे हम तो बोलते थे जैसे पीछे से सेकंड नंबर बोलते थे सेकंड नंबर आए हैं दादाजी थे हमारे उस समय बोलते थे हम दादाजी हम सेकंड नंबर आए हैं पता है पूछते थे बेटा आगे से कि पीछे से बोलते पीछे से फिर पड़ता था बत्ती पीछे से है ना तो ये भी पीछे से आए हैं दो लोग हैं ये कौन है झारखंड जो है वो सबसे नीचे है और बिहार जो है वो उससे थोड़ा सा ऊपर है ठीक है तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेगा अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट है। आयुष मंत्रालय ने उत्कृष्टता योजना आयुष स्वास्थ्य योजना के तहत जो है लॉन्च किया है इसका नाम रखा गया है आयुष स्वास्थ्य किनके लिए किया गया बेटा याद रखना ये जो किया गया है जितने भी लोग यहां पर काम करते हैं या फिर कुछ नया इसमें करना चाहते हैं नया कहने का मतलब है Uh, व्यक्तिगत या फिर संगठन के आधार पर कुछ नया समथिंग इससे रिलेटेड किससे रिलेटेड ये आपका uh, क्या बोलते हैं आयुष से रिलेटेड उनके लिए केंद्र uh, ने क्या किया है एक अधिसूचना मतलब एक प्रकार से क्या बोल सकते हो आप uh, एक स्कीम जो है जारी करी जिसका नाम रखा गया है आयुष स्वास्थ्य योजना अभी देखिए हाल ही में अभी कोरोना भी बहुत ज़्यादा चर्चित है तो एक ऐप भी है उस ऐप का नाम मेरे ख्याल से अच्छा कितने लोगों ने उस ऐप को इंस्टॉल किया था और कितने लोगों ने इंस्टॉल करने के बाद डिलीट किया था सच सच बताना बेटा मेरे ख्याल से पुनः इंस्टॉल करने का समय आ चुका है मुझे नहीं पता कैसे काम करता था मैंने तो नहीं किया था आरोग्य सेतु को आप लोगों ने मे भी किया होगा ठीक है चलो नेक्स्ट है अगले न्यूज़ की मैं बातें करता हूँ केंद्रीय इस्पात मंत्रालय <coughs> मंत्री ने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है ये ग्रीन स्टील क्या होता है सर हरा कलर का दिखता है क्या है हम पे ये किसने हरा रंग डाला नहीं हरा स्टील नहीं होता ऐसा स्टील जिसको बनाने के लिए किसी भी प्रकार के कोयले का उपयोग नहीं किया जाता कि सर स्टील बनाने के लिए कोयला कौन उपयोग करता है स्टील बनाने के लिए नहीं करते लेकिन स्टील निर्माण में कोल का को उपयोग होता है उसको गलाने के लिए फॉर द मेल्टिंग जिसको कहते हैं एस एम एस स्टील मेल्टिंग शॉप तो स्टील मेल्टिंग शॉप में कोयला यूज किया जाता है तो ये जीरो कार्बन एमिशन कोयला ही नहीं किसी भी प्रकार का उस मटेरियल का उपयोग नहीं किया जाएगा जिसमें से कार्बन का एमिशन हो तो इसको हम लोग जानते हैं ग्रीन स्टील के रूप में मतलब जीरो कार्बन एमिशन के साथ इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके कार्बन जो स्टील बनाया जाएगा इसको हम लोग जानेंगे ग्रीन स्टील तो कल्याणी फेरेस्ट जो है लॉन्च किया गया है डेली में ये पुणे की एक कंपनी है ठीक है इट नाम जो है इसका नाम कल्याणी फेरेस्टर दिल्ली में जो है इसको लॉन्च किया गया है जगौ डॉक शिप यार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा भारतीय नौसेना को पांचवी स्कॉर्पियन पंडुबी परियोजना की वाकिर 75 फाइव कलवारी श्रेणी की पंडुबिया जो है सौंपी गई हैं यह अभी हाल ही में मैंने बताया था साथ ही साथ यह भी याद रखना है इसकी क्षमता जो है है ना इसको बढ़ाया जाएगा वागिर की अगर यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है देखो बेटा मजगांव जो है आप लोगों का ये आपको कहां पर मिलता है ये अलग है ना मजगांव इज समथिंग डिफरेंट दिस इज नियर मुंबई ये कहाँ पर है ये आपका मुंबई के पास है और आज एक न्यूज में जो हमने किया था मतलब स्टार्टिंग में जो आप लोगों को मैंने एम कराया था वो क्या था तुम्हारा वो मरम था वो और मरम जो है ये कहां पर है ये आपका गोवा में है

तो स्प्लिट ए करके आता है है ना और एक विंडो आता है स्प्लिट ए में एक लगा होता है इन्वर्टर ये सुना है आपने कैसे काम करता है एक बार रूम ठंडा हो गया उसके बाद वो चुपचाप शट डाउन हो जाता है ये अपना मस्त से काम करते रहते फिर जैसे लगता है कि रूम का टेम्परेचर बैलेंस नहीं है फिर वो शुरू हो जाता है उसी प्रकार से ये क्या होता है ये स्प्लिट ए में आता है जनरली मतलब एक आउटलेट होता है एक इनलेट होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि इस पंडुबियों में भी एक बार पावर आपने दिया उसके बाद वो जनरेट अपने आप में वो मतलब रीजनरेशन होता है यहाँ पर पावर रीजनरेशन होता है रीजनरेट कर लेता है ये आपको बार बार प्रोपेल करने की नीड नहीं पड़ती प्रोपेल मतलब उसको पुश करने की नीड नहीं पड़ती यस एनर्जी कंजम्पशन स्लो होता है तो इस प्रकार से पांचवी पंडुबी जो है यहाँ पर आपको सौंपी गई है ठीक है चलिए तो थैंक यू सो मच आप सभी ने आज का सेशन बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय किया कैसे लगा एक बार प्यारे प्यारे हार्ट्स आप लोग जरूर बना दीजिए आप लोग इतनी रात में आए इसके लिए शुक्रिया तहे दिल से आप सभी हमारे साथ जुड़िएगा अनकेडमी पर अभी मेरी जो क्लासेस हैं अनएकेडमी पर होंगी पेड क्लासेस यानी कि प्लस क्लासेस भी होंगी और साथ ही साथ फ्री क्लासेस यानी कि स्पेशल क्लासेस भी होंगी है ना अब से मेरी सारी जो क्लासेस होंगी वो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर होंगी मैं बता रहा हूं तो आप लोगों को बार बार प्लीज इस चीज का याद जरूर रखिएगा अब से हमारी जो सारी क्लासेस हैं प्री क्लासेस एंड पेड क्लासेस दोनों की दोनों जो क्लासेस है वो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ही होंगी सभी क्लासेस मतलब सभी क्लासेस ठीक है बेटा तो कोई फिर क्वेश्चन नहीं करेगा सर क्या क्यों कैसे एंड ऑल करके एवरी क्लासेस विल बी ऑन अन अकेडमी ऐप तो यदि आपको मुझसे जुड़ना है तो आप अन अकेडमी पर आइए आप सर्च कर सकते हैं हमारा नाम सब देखो आप आप ये नाम सर्च करना स्पेलिंग गलत सलत मत लिखना ये यूजर नेम या एडुकेटर नेम में आप जाके टी ए आर यू आर ए एन जे ए एन ये आप सर्च करिएगा आपको वहां पर मिल जाएगा टाइमिंग जो है देखिए प्लस क्लासेस का तो सुबह दस बजे रहेगा दस से बारह ये पेड यूजर के लिए यह फिक्स है सुबह दस से बारह सुनिएगा सुबह दस से बारह पेड यूजर्स के लिए है यानी कि जो पैसा पे किए हैं सब्सक्रिप्शन लिए उनके लिए है प्री क्लासेस का जो समय है वो नाइन पी पे रात्रि नाइन पीएम पर है और दोपहर वन पी पर है दो टाइमिंग है दोपहर एक बजे और रात्रि नौ बजे दो टाइम रहेगा दोपहर एक बजे पर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें रहेंगी लाइक जैसे कि अभी स्टूडेंट्स का डिमांड है सर हिस्ट्री के कुछ चीजें आप करा दीजिए है ना जैसे कि एक युद्ध पे पूरा युद्ध पूरा वार शुरू से लेके पहले से लेके यानी कि प्राचीन समय से लेके अभी आधुनिक तक जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं तो वे पूरे वार पूरी लड़ाइयां मैं कराने वाला हूँ पूरे वार के बारे में तो ये वार जो रहेगा ये वार सीरीज हो जाएगा एक है ना और भी बहुत सारी सीरीज जो रहेंगी नाइन पी पे, पे हम एमसीक्यूज करते हैं तो इस प्रकार से हमारे वीडियो जो है वो आपको रहने वाला है तो कल वन पी का सेशन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली बोर होगा तो पता चल जाएगा बट नाइन पी का सेशन जो है वो रहेगा ठीक है तो ऐसे ही हमारी होती रहेगी मुलाकातें ऑन अर्न अकेडमी प्लेटफॉर्म आई रिपीट अगेन ऑन अर्न अकेडमी प्लेटफॉर्म तब तक बने रहिए हमारे साथ लेते हैं आपसे विदा थैंक यू सो मच शुक्रिया शुभ रात्रि जय हिंद गुड नाइट